जान की अमान पाऊं तो जान की अमान पाए आप बिल्कुल पाए, अल्लाह आपको जिंदगी दे। एक जो है हमें वेगन वो बड़ी जो है वो ट्रक चाहिए जो सामान आए सामान ले जाए दावतों शावतों में। 1300 सीसी की हाईकोर्ट के जज साहब ने गाड़ी दी, अब डिमांड आई है 1800 सीसी दे दो, ठीक है सर। उसके बाद आइए कि अभी सेशन जज साहबान को टोयोटा करोला दे दो और एडिशनल सेशन जज साहबान को जो है वो कल्टस दे दें, सेंटर जेल कराची दे दो, दे दो जी, हाँ जी, वहां से कैदी कहाँ जाएंगे, और स्टेट गेस्ट हाउस दे दो। मॉडल से ऊपर जो भी 1600 सीसी इंजन गाड़ी है उसकी जो कैपेसिटी है ईयरली जो एक्साइज टैक्स जो लेती है जो 2000 पता नहीं 4000 अगर उसको 8000-10000 किया जाए तो कोई मसला नहीं, वो भी आवाम के लिए ही पैसे आएंगे। जब इधर बोल के खड़े होके बोलते हैं कि आवाम के साथ वो हो रहा है वो रहा है, तो यार दोन अपनी जेब में से तो कुछ निकालो, अपनी जेब में भी हल्की कर दो ना, अगर टेस्ट उसमें दे दो तो वो है। जब ये एनटीएन नंबर में आपका एनआईसी नंबर आ जाएगा तो फिर जागीरदार भी नजर आ जाएगा, हम जैसा ये सुपर कॉलर भी नजर आ जाएगा। जो सीधी उंगलियों से नहीं निकल सकता था अब ये यूं टेढ़ा भी निकलेगा। आप देख रहे थे सिंध असेंबली का सेशन, उसके अंदर जेबों को हिलाने की बात कर रहे थे अमीर लोगों की। पाकिस्तान अगर एक तरफ सारी प्रॉब्लम्स टेररिज्म मईशत की बदहाली सब कुछ एक तरफ, लेकिन अगर सियासत और मईशत को साथ जोड़ के आप देखें तो एक सिंपल आंसर है पाकिस्तान की प्रॉब्लम का कि अमीर लोग जो हैं वो अपने टैक्स नहीं देते जो उनके ऊपर वाजिब है, जो इस कौम को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क के गरीबों के ऊपर उनका फ़र्ज़ है जो अदा करना, वो अदा करते नहीं हैं। चाहे वो एक्साइज ड्यूटी को आप 4000-8000 कर दें या फिर आप सिंपल इनकम टैक्स देख लें। हफीज़ शेख साहब कहते हैं कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिसके अंदर सिर्फ दो तरह के टैक्स हों, एक रिटेल टैक्स हो और एक इनकम टैक्स हो और बाकी काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हकायक कुछ इस तरह हैं कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9% के इर्द गिर्द डगमगाता है, जबकि अगर सिर्फ आप अमीरों को टैक्स कर लें, सिर्फ ऊपर के 10% अमीरों को टैक्स कर लें तो ये 18%-19% के करीब जा सकेगा। इन नंबर्स की वजह से economycheck.com.pk एक वेबसाइट है जिसके हमने आपको स्टिल्स भी दिखाए, जिसने एक पूरी मुहिम चलाई है, एक कोशिश की है कि वो सिंप्लीफाई करके उसको आसान जबान में आसान नंबर्स के साथ वो आपकी तरफ पेश करे कि इन सब कुछ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये असली हकायक क्या हैं और इनकी वजह से हम पे कितना असर पड़ता है उसका। अगर एक थोड़े से मैं अगर पेश करूँ फिर पूरे शो के थ्रू विल डिस्कस ऑल ऑफ दैम कि पाकिस्तान में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ज़िंदा रहने के जो चांसेस होते हैं, बुलेट से मरने के नहीं बस ज़िंदा रहने के, कि उसको हॉस्पिटल केयर मिले, उसको प्रीनेटल केयर पोस्टनेटल केयर प्रॉपर मिले, वो दुनिया के सबसे कम दर्जे में से है। सब सहारन अफ्रीका के अंदर 81% चांसेस ऑफ डेथ होती है, 81 deaths per 1000, पाकिस्तान में 71 पे खड़ी है। जितने भी मुल्क हैं चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो या सेमी डेवलप्ड हो, उन सबसे ज़्यादा बुरे हम हैं। और फिर खर्चे की अगर बात करें तो हर तीसरा रुपया जो पाकिस्तान स्पेंड करता है वो डेट सर्विसिंग के लिए हम बजट में से निकाल के देते हैं, हर तीसरा रुपया कर्ज की अदायगी वापस करने के लिए हम हर तीसरा रुपया खर्च करते हैं, और हर पांचवा रुपया जो रियासत इस्तेमाल करती है वो नए कर्ज का होता है। हमारे साथ आज है मुशर्रफ जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कराची इसलिए आए इसलिए जिन्ना इंस्टीट्यूट ने एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर सेमिनार किया, उससे भी आई वांट सम अपडेट्स ऑन दैट इज़ वेल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर स्टूडियो। एक ब्रेक हमारी पहली वाली थोड़ी जल्दी आएगी, मुझे इन एसेंस मुझे बता दें पाकिस्तान के अमीर का क्या हाल है। इन एसेंस इसका जवाब नहीं है। मेरा ख्याल है एक जो बड़ा मसला हमारे नैरेटिव में हो गया है, उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई हैं, ये जो मास मीडिया का एक्सप्लोजन हुआ है, इतने सारे चैनल्स हैं जो मेरे जैसे लोगों को और मुझसे कई बेहतर लोगों को मौका देते हैं अपनी आरा का उसको एक्सप्रेस करने का। लेकिन उसमें जो थोड़ा सा एक नेगेटिव एलिमेंट आया वो ये कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अक्सर बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि सारा कुछ हो क्या रहा है। लेकिन इशू सिर्फ ये नहीं है कि अमीर जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो एक पॉपुलिस्ट पोजीशन है ना कि अमीर ख़राब हैं और गरीब अच्छे हैं। गरीबों में भी बुरे लोग हो सकते हैं, अमीरों में अच्छे लोग भी हो सकते हैं। अमीर लोग जब तक इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, नए बिजनेसेस नहीं खोलेंगे, नई नौकरियां नहीं, मतलब जैसे मियां मंशा हैं
एमसीबी बैंक को उन्होंने एक बिल्कुल घटिया थर्ड क्लास वो बैंक था उसको लेकर उन्होंने तब्दील किया, वो किस तरह उनको मिला, वो उस पर हर दफ़ा हम जो है नेगेटिव चीज़ को निकालते हैं, लेकिन आज अगर आप उस बैंक को देखें तो ड्रामेटिकली जो है वो चेंज हुआ है। इसी तरह कई और एग्जांपल्स हैं जहां निजी शोबे में चीज़ें जब आई हैं गवर्नमेंट से, बिजनेसमैन ने, अमीर लोगों ने उनको चलाया है, अपना समझ के जब चलाया है तो बहुत बेहतर चलाया है, जब अपना समझ के चलाया है। सरकार को कभी अपना नहीं समझा, सरकार को टैक्स देना जो है कभी वाजिब नहीं समझा, सरकार लोगों को अपना नहीं समझती, लोग सरकार को अपने नहीं समझते। मिस्टर जैदी, एक ब्रेक के बाद हम इस पर मजीद गुफ्तगु करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो शराय ख्वांदगी है वो 57% पर खड़ी है, और ये वो लोग हैं जिनको हमारी सेंसस ब्यूरोज और सर्वे के 100-200 को पकड़ के कहती है जी साइन कर दें, अगर सिग्नेचर जो है उर्दू या अंग्रेजी में या अपनी जबान में है, रीजनल जबान में है, तो समझा जाता है जी पढ़े लिखे हैं। दूसरा टेस्ट होता है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ दें। अब अगर इसको भी आप अगर स्टेपल रखें कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन किसी ने पढ़ के आपको हिज्जे करके सुना दी, तो वो हमारे सेंसस में पढ़ा लिखा है, वो भी सिर्फ 57% हैं पाकिस्तान में। एक्चुअल लिटरेट लोग अगर आप ढूंढने जाएँ तो आपको मेरे ख्याल से 10 में से 2 ही मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। SMH@CNBCPakistan.com पर लेके हमें अपनी आरा से आगा कीजिए। बैक टू यू आफ्टर ब्रेक।